हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है HSC रूल्स एंड रेजोल्यूशंस। ठीक है, तो रूल्स और रेजोल्यूशंस में ये बताया गया है कि सबसे पहले जो है मैं ये बताऊंगी कि HSC मैनेजमेंट के सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, रेजोल्यूशन के अनुसार जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार जो कि मेंटेनेंस है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी बड़ी इंडस्ट्री का जहां हज़ार ज़्यादा हैं वो काफ़ी नहीं है, कोई और मैनेजमेंट इसे हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेजर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो भी हैपन हो रही हैं चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही हैं, कंप्लाइंसेज उनके लिए जो दिए गए हैं वो सारे फॉलो नहीं हो पा रहे थे। तो इसके वजह से क्या किया, इस्टेब्लिश किया क्या HSE डिपार्टमेंट, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, किसके लिए, मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो कि है क्या बताया गया उसमें फिर कि जो होने वाले एक्सीडेंट्स हैं वो सारे रुक जाएं। ठीक है, अगर एक अलग मैनेजमेंट होगा, HSE डिपार्टमेंट ही अलग होगा तो क्या होगा, होने वाले एक्सीडेंट्स पे हम ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। और HSE डिपार्टमेंट ने फिर क्या करा, अपने अलग रूल्स और रेजोल्यूशंस बनाए। ठीक है, उनके रूल्स और रेजोल्यूशंस इसीलिए बनाए गए क्योंकि देखिए जो भी होने वाला वर्क है उसमें होने वाले एक्सीडेंट्स किस वजह से हो रहे हैं पहले क्या होगा वो लोग देखेंगे, जो भी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन साइट है, जो भी है वो पता लगेगा क्योंकि HSE डिपार्टमेंट से है, वो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से हैं। ठीक है, अब उनसे बेहतर कौन देख पाएगा कि उस इंडस्ट्री में जहाँ भी वर्क प्लेस है उसमें होने वाले एक्सीडेंट्स किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, इस तरीके का डिपार्टमेंट बनाया गया ताकि होने वाले एक्सीडेंट्स को ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, जब आप एक्सीडेंट्स को ऑब्जर्व कर लेंगे तो क्या होगा, उनके लिए आप कुछ रूल्स निकालेंगे कि ये वाला वर्क जो है, होने वाला वर्क इस तरीके से हुआ जाए, करा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, डिपार्टमेंट बना, डिपार्टमेंट ने अपने रूल्स और रेजोल्यूशंस निकाले अलग अलग। ठीक है, तो इस काम को किस तरीके से करना है, वर्क परमिट जो है वो कैसे देना है, ये सारी चीज़ें इसमें इसी के अंडर में आती हैं। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होता था कि जो भी काम है, मान लीजिए हाइट पे वर्क करना है तो दो आदमियों को बोल दिया जाओ चले जाओ, वो हाइट पे वर्क कराओ। ठीक है, उनमें से दो आदमी ऊपर गए, एक नीचे गिर गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, पहले ऐसा होता था, ऐसी चीज़ें नोटिस की गई। अब क्या होता है, हाइट पे वर्क है, पहले JSA होगा। ठीक है, JSA होने के बाद क्या होगा, तब वर्क परमिट मिलेगा। जब वर्क परमिट मिलेगा तब वहाँ जाके कोई पर्सन काम कर सकेगा, वो भी वही जाएगा जिसके पास वर्क परमिट है। ठीक है, तो इस तरीके से रूल्स और रेजोल्यूशंस को HSE डिपार्टमेंट ने निकाले, कुछ इस तरीके से भी निकाले कि कोई भी विजिटर जो है वो अपनी सेफ्टी का खुद जिम्मेदार है। ठीक है, फोटोग्राफी करना मना है। ठीक है, कभी भी कोई भी साइट है वहाँ पे अगर आग लग रही है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसके अंदर कोई विजिट ना करें। विजिटर्स हमेशा उनको होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कोई भी इक्विपमेंट को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्लांट एक्टिविटी को टच नहीं करना है। कोई भी अंदर आता है तो सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट और PPEs जो भी ज़रूरत की हैं वो पहने। ठीक है, तो इस तरीके से जर्नल रूल्स उनके लिए निकाले गए जो भी विजिटर्स आते हैं, साथ में जो भी इंडस्ट्री के हैं उनको तो हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन के रखने ही हैं। ठीक है, और होने वाले एक्सीडेंट्स की नॉलेज सबको रहनी चाहिए, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, देखिए जर्नल रूल्स और रेजोल्यूशंस इसी के लिए बने थे कि देखिए जो भी वर्क चल रहा है उस पर आप कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी सेफ्टी आपके हाथ में ही है, उन लोगों ने HSE डिपार्टमेंट वालों ने जो भी रूल निकाले, जो भी SOP निकाली वर्क करने के लिए, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर PPEs नहीं वेयर कर रहे हैं, तो आपको कौन बचा सकता है बताइए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं से बताई जाती हैं कि देखिए ये काम है तो आप इसको ऐसे कीजिए। वर्क परमिट जो है वो इस तरीके से इशू हो रहे हैं, वर्क परमिट विदाउट इशू हुए आप किसी वर्क को करने मत जाइए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क है तो उसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो जो लग रही है वो सारी आप फॉलो कीजिए, तो इस तरीके से काम बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या HSE डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक पूरे वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक वो मान लीजिए वो सेफ्टी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। किसी भी काम के लिए आपने कोई SOP बनाई है, उन्हें नहीं है नॉलेज, वो कैसे उसे फॉलो करेंगे।
अगर आपने एसओपी बना के भी रख दी तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही है तो वो कैसे फॉलो करेंगे। तो इसके लिए जो भी कोई आपने नया प्लान निकाला है, कोई भी एसओपी निकाली है, तो वर्कर्स को एटलीस्ट नॉलेज हो, इसके लिए आपको ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने वर्क के लिए एसओपी निकाली है तो ट्रेनिंग के बाद उसका कैसा रिजल्ट आ रहे हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो एचएसई डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर ये भी आता है कि आपने अपने वर्क प्लेस पर होने वाले वर्कर्स को कितनी ट्रेनिंग दी। जब तक वो वेल ट्रेंड नहीं है तो ये समझ लीजिए टोटली सेफ्टी का लॉस ही है, सेफ्टी नहीं मेंटेन हो पाएगी। अब वर्कर है आपकी इंडस्ट्री में, कोई वर्क चल रहा है, अब उसे एक्सटिंग्यूशर ही ऑपरेट करना नहीं आ रहा तो वो कैसे ऑपरेट करेगा। अब वर्कर है आपकी इंडस्ट्री का, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, अलार्म बज रहा है, सब असेंबली पॉइंट पर पहुँच गए और वर्कर्स नहीं पहुँच पाए हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है, उनको एग्ज़िट वे ही नहीं पता है, इमरजेंसी एग्ज़िट वे, तो वो क्या करेंगे, है ना। तो ट्रेनिंग टाइम पे उन्हें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, हर एम्प्लॉय को बताना पड़ता है कि कोई भी वर्क है कर रहे हैं आप तो आप कैसे इसमें मेंटेन रख सकते हैं सेफ्टी, तो उनके लिए ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग अगर आप कराते हो तो देखिए कहीं ना कहीं वो फायर फाइटिंग के लिए भी ट्रेंड होते हैं, इन केस आपके इंडस्ट्री में कभी आग लग भी जाती है तो जब तक बाहर के लोग आएंगे आग बुझाने की कोशिश करेंगे तब तक आपके कंपनी में रहने वाले एम्प्लॉयज़ भी उसे बुझा चुके होंगे। तो फायर फाइटिंग ट्रेनिंग के साथ साथ सेफ्टी ट्रेनिंग भी रहेगी। सेफ्टी ट्रेनिंग में ये रहता है कि जो भी आप सेफ्टी के लिए वर्क प्लान्स बना रहे हैं, वर्किंग प्लान्स बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कुछ भी, तो उसकी नॉलेज उनको होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपने कोई भी नया प्लान जनरेट किया सेफ्टी के रिगार्डिंग तो जब तक आप उसे स्प्रेड नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे उसके बारे में, तो कैसे लोगों को पता चलेगा, है ना। तो ये देखिए सेफ्टी के अंदर ही ये ट्रेनिंग का भी पार्ट आ रहा है एचएससी डिपार्टमेंट के अंदर, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि उनका ऑल ओवर यही रहता है। देखिए पूरे इंडस्ट्री की जो भी इंडस्ट्री पॉलिसी है आपकी वो फॉलो करना, लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करना, एनवायरनमेंट हार्म नहीं होने देना, पीपल वर्क जो कर रहे हैं उन्हें हार्म नहीं होने देना, ये सारी चीज़ें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एचएससी डिपार्टमेंट की। तो वो डिपार्टमेंट में होने वाले बंदे एक एक बंदे की केयर तो नहीं कर सकते हैं ना, तो उनको ट्रेंड करें ताकि वो अपनी सेफ्टी खुद रख सकें। बाकी पीपीईज प्रॉपर पहने, पीपीईज अगर आप पहनते तो बहुत हद तक आप सेफ रह सकते हैं, होने वाले जो छोटे मोटे एक्सीडेंट हैं वो यूँ ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज ये मैंने आपको एचएससी रूल्स और रेजोल्यूशंस के बारे में बताया, क्योंकि एचएससी के अपने एक रूल्स और रेजोल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर ये आता है। तो इसके अंदर यही बताया गया है टोटल कि आप कैसे सेफ रह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको इसके बारे में बताया, रूल्स एंड रेजोल्यूशंस के बारे में, हेल्थ सेफ्टी एंड डिपार्टमेंट के बारे में, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू।